हेलो भैया जावेद सर है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जोरदार तालियों से का स्वागत करें। गुड मॉर्निंग सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरेंद्र जी से प्लीज आप ऊपर आए स्टेज पे और जावेद सर का एक ऑफिशियल वेलकम हो जाए। अंकित जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्टेज पर आए। मेरे पास हैं दो तरह के ट्रीटमेंट्स।
इस वक्त मार्केट में है केराटिन और सिस्टीन। मेरे पास है केराटिन, केराटिन में मेरे पास है एडवांस और कोको। सबने नाम सुना है कोको, खूब नाम अथवा मार्केट में अभी भी कोको, सबको ध्यान में बोर हो रहे हैं क्या? कोको मेरे पास है, कोको और एडवांस। कितने तरह के बाल होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हेयर? कितने तरह के बाल होते हैं? वर्जिन हेयर, इनाफोटेड हेयर, थिक हेयर, थिन हेयर, फ्रीजी हेयर, कर्ली हेयर, सेंसिटाइज हेयर, रिबॉन्डेड हेयर, और कुछ रह गया? और भी है क्या यार? स्ट्रेटनिंग हेयर, पॉम हेयर, डैमेज, वो ड्राई एंड डैमेज। और बताएं, वो फ्रिंजी और हमने कवर किया है, और बताएं। क्लाइंट हमारे सामने डिमांड करते हैं कि मैं केराटिन क्यों करवाऊं, रिबॉन्डिंग क्यों नहीं, ऐसा आता है क्वेश्चंस। रिबॉन्डिंग करवाएं और केराटिन क्यों नहीं करवाएं? तो उनकी क्रॉस क्वेश्चंस के लिए ये है अपने पास कि केराटिन आपको 35 to 40 वॉश देगा, 35 से 40 वॉश तक हमारा स्टे करेगा बालों में, बालों में ड्राइनेस कंट्रोल हो जाएगी, रिबॉन्डिंग से एकदम स्ट्रेट लुक आ जाए। ड्यूरिंग द प्रोसेस जिस समय हम रिबॉन्डिंग कर रहे होते हैं हमारा बाल ड्राई डैमेज होता है उसे भी कैसे कवर करोगे? केराटिन से। यस, केराटिन से। केराटिन सबसे लास्ट प्रोसेस है, कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं उसका सबसे लास्ट प्रोसेस होता है केराटिन। मान लीजिए क्लाइंट ने आपको कहा कि मेरे बालों में रिबॉन्डिंग भी कर दो, केराटिन भी कर दो, तो पहले क्या होगा? देन कलर, मान लीजिए कलर करवाना है और केराटिन कराना है, तो आप क्या करेंगे? कलर, पहले कलर, फिर केराटिन। ओके, केराटिन कहाँ काम करता है? कॉर्टेक्स, क्यूटिकल, मेडुला, कहाँ काम करता है? कॉर्टेक्स और क्यूटिकल की मिड में कहाँ काम करता है? कॉर्टेक्स और क्यूटिकल की मिड में अपना काम करता है। मेरे कलीग आपको बताएंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो कैसे यूज होंगे, प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हमारा केराटिन ट्रीटमेंट जो है कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल के बीच वर्क करता है। ओके, इससे क्या होता है, हमारे ड्राई, फ्रिजी, ब्रेकर्स हेयर सेटल होते हैं। हमारे ब्रेकर्स हेयर क्या करता है? उसके अंदर लमिनेशन करते हैं बालों को, उसके बाद हमारे बाल ड्राई फ्रीजी नहीं दिखते, प्लस हमारा बाल ब्रेकेज नहीं होता, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल जाता है बालों को, तो ब्रेकेज नहीं होंगे। ओके, कंसल्टेशन किया, कंसल्टेशन जरूरी है? यस सर। कितना? बहुत। एक एग्जांपल में बात करते हैं, मेरी फ्रेंड ने कराया, फीमेल, ओके, मेरी क्लाइंट ने करा, मेरी फ्रेंड ने कराया रिबॉन्डिंग, उसने दिया मेरे एड्रेस से, मेरे दिया स्ट्रेट लुक, बाउंसी लुक, सॉरी बाउंसी लुक दिया, और फिर मैं गया, मैंने कहा मुझे रिबॉन्डिंग कर दीजिए, उसने पूरी मेहनत की मेरे हेयरड्रेसर ने और बालों को स्ट्रेट कर दिया, और मैं कह रहा हूँ मेरा बाउंस था, क्योंकि आप मैंने प्रॉपर कंसल्टेशन किया था। कहाँ से लाओगे बाउंस? कंसल्टेशन 50-60% आपके काम को कवर कर देता है। क्लाइंट आया, कंसल्टेशन किया, प्योर प्योरीफाइड शैम्पू, उसके साथ मैंने वॉश किया 2-3 बार, क्यूटिकल बहुत अच्छे से ओपन किया, क्यूटिकल ओपन हो गया, डैम हेयर पे, अगेन डैम हेयर पे, टॉवल ड्राई हेयर पे, जिसमें डिप नहीं होना चाहिए बाल, हमें अपना प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है अकॉर्डिंग टू हेयर। मैंने प्रैक्टिकल टाइम पे देखेंगे, हमने एक सेक्शन लिया, हमारा बेसिकली कहाँ पर रह जाए, आया ना, क्यों? क्योंकि हम एकदम स्ट्रेट लेकर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं, जब मेरा हेयर शेप इस तरह का है तो मुझे एप्लीकेशन यूं करनी है, हम एप्लीकेशन कर रहे हैं यूं, व्हाई? हाँ या ना? सबको मालूम चल रहा है ये भगवान, ये ऐसा भी होता है क्या? होता है ना? ओके, हेयर शेप के अकॉर्डिंग मैंने एप्लीकेशन किया, डैप डैप करके मैंने एप्लीकेशन किया, हमने जो एप्लीकेशन स्टार्ट करना है वो रूट से एंड पे नहीं करना है, हमने लेंथ से ऊपर की तरफ जाना है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बाल ड्राई का है, डैमेज का है, लेंथ पे, यस, क्योंकि अगर किसी क्लाइंट का इतना लंबा बाल है, ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5-7 साल मिनिमम, क्यों? मैंने बालों को शेव कर दिया, इतना लंबा बाल होने में कितना टाइम लगेगा? 5-7 साल, वो डेली वॉश हो रहा है,
कभी क्लिनिक प्लस से हो रहा है, कभी किसी और से हो रहा है, तो सबसे ज्यादा ड्राइनेस आ रही है उसमें। बेसिकली हम लोग वॉइस ऐसा करते हैं, कोई भी शैम्पू उठाया और कर लिया, बस बहुत ध्यान रखती है, फिर भी उनका बाल ड्राई और डैमेज हो जाता है। क्लाइंट आया, कंसल्टेशन किया, प्योर पेरीफाइन शैम्पू के साथ हमने वॉश किया, डैम्प हेयर पे हमने एप्लीकेशन की, नीचे से ऊपर की ओर एप्लीकेशन किया, मल्सिफाई किया। आप चाहें तो एक सेक्शन के साथ में टेल वॉम को उल्टा करें और उसके साथ में पेनिट्रेशन कर सकते हैं आप, यस, क्योंकि मेरा क्यूटिकल ओपन है, हो सकता है आपको मल्सिफाई से नहीं हो रहा हो, कोई बात नहीं, टेल वॉम को उल्टा करो और उसमें पेनिट्रेशन कर लो। ओके, मेरे पूरे हेड पे एप्लीकेशन हो चुका है, उसके बाद में मैंने शावर कैप यूज करेंगे। किसी भी ब्रांड में केराटिन के प्रोसेस में स्टीमर यूज होता है क्या? होता है, हमारे ब्रांड में होता है केराटिन थेरेपी, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को पेनिट्रेशन करना है। शावर कैप के अंदर हम स्टीम देंगे 5 से 7 मिनट। ओके, 5 से 7 मिनट कब? जब क्लाइंट का वर्जन हेयर है, क्लाइंट का थिक हेयर है, क्लाइंट का बिना कोटी हेयर है, हम सेंसिटाइज हेयर पे इतनी देर स्टीम नहीं देते हैं। सबको ध्यान में, स्पा वाले प्रोसेस में सबको ध्यान है? यस यस, कोई बोर हो रहा है? ओके, क्लाइंट आया, कंसल्टेशन किया, शैम्पू किया, प्योर पेरीफाइन के साथ शैम्पू किया, एप्लीकेशन की मैंने डैम्प हेयर पे नीचे से ऊपर की ओर लेके गए, देन पूरे बाल को मैंने एप्लीकेशन कर दिया, शावर कैप लगाया 5 से 7 मिनट, 2 से 3 मिनट और 4 से 5 मिनट, आपको जज है उस समय के लिए लगाया, देन मैंने स्टीम दिया। 35 मिनट रेस्ट करना है, कितना? 35 मिनट रेस्ट किया। क्लाइंट तो 2 सर्विस लेने आई है, उसे वैक्स भी करवाना है, क्या करें? कर दो, लेकिन वैक्स में मेरी रिविजन थोड़ा टाइम ले रही है, वो हमारी इंडस्ट्री में उसका स्वागत हुआ है, तो क्या करेंगे, घंटा ले लिए तो क्या ये ओवर प्रोसेस होता है? नहीं, ये बिल्कुल भी ओवर प्रोसेस नहीं होता है। ओके, 2 सर्विस दे सकते हैं आप, टाइम यूटिलाइज 35 से 40 मिनट हमने उसको रखना है, देन हमने करना है ब्लास्ट ड्रायर, उसके बाद में आप पैडल ब्रश के साथ ड्रायर करेंगे, स्ट्रेट लुक देंगे। अभी हम बात करेंगे कौन सा प्रोडक्ट कितना स्ट्रेट लुक देगा। पैडल ब्रश के साथ ड्रायर किया, ड्रायर करने के बाद में आयन करना है। सबको मालूम है कि आयन कौन से हेयर पे कितने टेम्परेचर पे करते हैं, सबको मालूम है? बिना कोटेड हेयर और वर्जन हेयर पर मैक्स 210, कोशिश करें 200 तक। मेरा थिन हेयर है, कलर्ड हेयर है, कोशिश करें 190, और ब्लीच्ड हेयर है आप करें 150 160, मैक्स 170। अब पता कैसे चले कि प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो रहा है या बर्न हो रहा है? हमारी आई ही बताएगी कि ये बर्न हो रहा है या पेनिट्रेशन हो रहा है। अगर आपके जिसे मैं प्रोसेस कर रहे हैं आपका हेयर बर्न हो रहा है, इसका मतलब आपका केराटिन जल रहा है, आपका पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। क्लियर? यस, कुछ पूछना अभी तक में? हमारी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल टाइम में बताऊंगा कि अगर सपोज कीजिए मैंने 210 कर दिया, आपका स्मोक इतना निकलेगा, योर कार्ड विलेज। ओके, दोबारा जाते हैं, प्रोसेस बताएं प्लीज, क्लास में यार प्लीज प्रोसेस बताओ। जिसमें हम लोग पैडल ब्रश के साथ ड्रायर कर रहे होंगे, लास्ट वाली सेटअप करेंगे, हम करेंगे कूल के साथ, जिसमें हम पैडल ब्रश के साथ करेंगे मीडियम हीट के साथ और ब्लास्ट स्पीड हाई। ओके, देन हम करेंगे आयन, आयन दिया और क्लाइंट को घर भेज दिया। नेक्स्ट डे सेम टेम्परेचर पे आपको 24 घंटे के बाद, क्लाइंट का टाइम नहीं है, उनके फ्लाइट है 1 घंटा पहले, तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते, बट कोशिश करें 24 घंटे के बाद। मैं तो कह रही थी रात को 11 बजे किया, अगले दिन रात को 11 बजे नहीं आएगी, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट करना है टाइम कर सकते हैं। क्लियर? 24 घंटे के बाद उसी टेम्परेचर पे आपको आयन करना है, 10 मिनट का रेस्ट। कभी भी हम
गर्म बालों में कभी भी हम पानी नहीं डालते हैं, 10 से 15 मिनट का रेस्ट, बहुत अच्छे से इसके नॉर्मल वाटर के साथ क्लीन किया। उसके बाद हमने यूज करना है अल्ट्रा स्मूथ का शैम्पू और कंडीशनर, अल्ट्रा स्मूथ का शैम्पू और कंडीशनर। क्लियर? कितने टाइम स्टे करेगा? यस, कितने टाइम तक स्टे करेगा कैरेटिन? 35 to 40 वॉश। ये हफ्ते में 3 बार वॉश करते हैं, मैं डेली वॉश करता हूँ, इसलिए 35 to 40 वॉश। मेंटेनेंस आपके हाथ में, मेंटेनेंस और बढ़ाना चाहते हैं, ओके स्पा। क्लाइंट को सजेस्ट करें स्पा, हमारे कैरेटिन की स्पा के अंदर भी कैरेटिन है, वो आपकी कैरेटिन के हुए बालों की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्लियर? यस, प्रोसेस सबको समझ में आ गया? यस, ओके। अब आती है स्ट्रेट लुक की। क्लाइंट ये कहता है मेरा बहुत ज्यादा वेवी हेयर है, बहुत ज्यादा वेवी है, अब ये बताओ स्ट्रेट कितना करेगा? क्या जवाब है आपके पास? बहुत ज्यादा कर्ली हेयर है, कितने टाइम स्ट्रेट, कितना परसेंट स्ट्रेट करेगा? 50 to 60% एडवांस, एडवांस कैरेटिन 50 to 60% स्ट्रेट करेगा। क्लियर? ये फ्रिजीनेस को कंट्रोल करेगा और कर्ल्स को नेचुरल लुक में दे देगा। क्लियर? 50 to 60%। नेक्स्ट, क्लाइंट अगर मेरे पास आता है, उनके बालों में स्ट्रेंथ ही नहीं है, ओके, यूज कोको। यस, यूज कोको। अगर मान लीजिए मेरा क्लाइंट कहता नहीं, इससे भी ज्यादा चाहिए मुझे 16 जो आपको स्ट्रेट लुक देगा, इसमें मैक्सिमम प्रोटीन है, मैक्सिमम प्रोटीन है, और आपके डिपेंड्स करता है आयन पर, आप आयन कितना अच्छा करते हैं। क्लियर? यस, यस। इंग्रेडिएंट एक्सप्लेन करें। यस सर, एक सेकंड, क्योंकि हम तो न्यूट्रलाइज लगाते हैं, हमारे बाल ऊपर सीम होने देते हैं, राइट? उसके साथ हमें कवर करना है केराटिन के साथ। आप जो स्मूथिंग कर रहे हो, न्यूट्रलाइजर मत लगाइए, डायरेक्टली केराटिन अप्लाई करिए। फर्स्ट आप बाउंस ब्रेक करेंगे, बाउंस ब्रेक करने के बाद आप रिंस आउट करेंगे, रिंस आउट करने के बाद ड्राई करेंगे, ड्राई करके आप केराटिन अप्लाई करेंगे। केराटिन अप्लाई करने के बाद 25 to 30 मिनट आपको वेट करना है विद शावर कैप स्टीम के साथ, ओके। उसके बाद में उसको कूल ग्लो ड्राई करना है 50 to 70%, 30% जो ग्लो ड्राई करना है डीप पेटल ब्रश मीडियम हीट फुल स्पीड के साथ करना है, टोटल 80% ग्लो ड्राई करना है। उसके बाद आपको आइनिंग करना है। अगर वर्जिन हेयर है तो 200 के अबाव आप कर सकते हो, 200 लेके 230 तक। केमिकल हेयर है हमेशा जो भी कुछ करना है पहले केराटिन से पहले करिए, स्मूथिंग, स्ट्रेटनिंग, कलर्स, जो भी कुछ करना है केराटिन 16 से पहले करिए, बाद में आपको कलर 16 ही करना है। लेकिन ऐसे क्लाइंट होते हैं कि मुझे रूट टेचर चाहिए, उनको कभी जाना है, किसी ग्लोबल करना, कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आपको मैं ये टेक्निक बताया, ये हमारी नई टेक्निक है। और कोई इशू, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? हीना कोटे हेयर इंडिया में ऑलमोस्ट लोग हीना यूज करते हैं, और मना करो फिर भी करेंगे, क्या केराटिन का रिजल्ट वो आ जाता है जो हम चाहते हैं? ऐसे हेयर सर आ जाता है? वर्जिन हेयर पर क्या केराटिन का वो रिजल्ट आ जाता है जो हम चाहते हैं? क्या करते हैं क्लाइंट को गोल गोल घुमाते हैं, मैं ऐसा आऊंगा वैसा आऊंगा, हां ना, ओके। उसके लिए मेरे पास प्रोडक्ट है हीना को बहुत अच्छे से निकालने के लिए, मैक्स वन दोबारा बता रहा हूं, मैक्स वन। ये सिर्फ वर्जिन हेयर और हीना कोटे हेयर के लिए है, नॉट रिटेल प्रोडक्ट्स। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेकर बताना चाह रहा हूँ, किसी भी डिटेल वाले कलर के लिए नहीं है, ये सिर्फ हीना कोटिंग हेयर और वर्जिन हेयर के लिए है, ठीक है? नॉट प्री लाइटेड हेयर, ये प्री लाइट हेयर पर भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसको यूज करना कैसे है, क्लाइंट आया, कंसल्टेशन किया, क्लाइंट हम बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं, मैं ये कहूंगा क्लाइंट को याद नहीं रहता है, ठीक है? वो कहते हैं मीना, मैंने मीना की थी 10 साल पहले, हम जानते हो 10 साल पहले नहीं जाती है, वो कभी भी नहीं जाती है, कोई बात नहीं, हम ये नहीं कहेंगे क्लाइंट झूठ बोलता है, मैं कहूंगा कि क्लाइंट भूल जाता है, कोई बात नहीं, 6 महीने पहले मीना की थी, कोई बात नहीं।
कंसर्वेशन किया, हमने चेक किया, उन्होंने हीला कर रखा है, प्यूरिफाइंग शैम्पू के साथ मैंने वॉश किया, डैम्प हेयर पे भी इसको क्विकली अप्लाई करना है आपको, क्विकली अप्लाई करना है। मैं आप कोशिश करें कि 5 मिनट के अंदर पूरे हेड पे एप्लीकेशन हो जाए, 5 मिनट में पूरे हेड पे एप्लीकेशन। कोई बात नहीं, शैम्पू स्टेशन पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट तक लगाकर छोड़ना है, कोशिश करें 20 से 21 मिनट नहीं हो, कम हो जाए, ज्यादा नहीं हो, क्लियर। आप अपनी आंखों से देखेंगे हीना बहुत अच्छे से निकल रहा है, मल्सीफाई करेंगे, हीना बहुत अच्छे से निकल गया। और वहीं पर ही आप वॉश कर दें, दोबारा शैम्पू नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से रिंस करना है। टॉवल ड्राई किया, क्लाइंट को चेयर पर लाया, अपना प्रोसेस केराटिन का स्टार्ट, जो भी आप चाहते हैं। ओके, क्लाइंट का फ्रीजी हेयर है, वो प्रोसेस समझ में आ गया सबको? क्लाइंट का बहुत ज्यादा फ्रीजी हेयर है, इलास्टिसिटी भी अच्छी है, देखो कॉस्टिंग भी बचानी है, क्लाइंट ने बिना यूज नहीं किया हुआ है, कॉस्टिंग बचानी है, बट क्लाइंट को रिजल्ट अच्छा चाहिए, क्या करें? केराटिन में फिक्स करना है इसको, कितना? मैक्स 5 ग्राम, यानी कि एक फुल पंप, रिपीट, 35 टू 40 एमएल के अंदर एक पंप पूरा, 5 एमएल, ज्यादा नहीं मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स किया और एप्लीकेशन कर, क्या ये एडवांस है? दोनों में मिक्स कर सकते हैं? हाँ, दोनों में कर सकते हैं। क्या ये सिस्टीन में मिक्स कर सकते हैं? नहीं, ये सिस्टीन में मिक्स नहीं कर सकते, सिर्फ केराटिन में मिक्स कर सकते हैं। अभी तक में कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, ये क्या था ऐसा कुछ? यस पूरे नेचुरल बेस्ड ट्रीटमेंट है, ओके, केराटिन हल्का सा फॉर्मल्डी ऐड होती है, मैंने बताया ना केराटिन में फॉर्मल्डी ऐड होती है, सिस्टम में फॉर्मल्डी ऐड नहीं होती, फॉर्मल्डी 0% और 0.2%, क्लियर, 0.02% गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखा है 2% का, हमने तो उससे भी बहुत कम जाता है। एनी क्वेश्चन अभी तक में? आपको जो क्वेश्चंस पूछने, नहीं तो लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है, आप लास्ट में है ना, आप डेमो देते समय आप फिर से रिपीट करते जाएंगे ना, रिपीट करने के आप ब्लड में डाल दूंगा सबके, सीरियसली ब्लड में आप रात को भी याद करोगे, सीरियसली रिपीट करते जाना सर, प्रैक्टिकल के साथ साथ बोलते जाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ओके, देखो बेसिकली क्या होता है, एक दिन मैं भी यहाँ था, है ना, नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट दोबारा, सबने ए टू जेड पढ़ा होगा, मैं जेड टू ए भी पढ़ाता हूँ बीच में से भी, क्लियर, आगे समझ में? यस, शावर कैप लगाने के बाद क्या करेंगे? ठीक है, तो मैं बीच में से भी इसको पढ़ाऊंगा ताकि आपको एकदम याद हो जाए, मैं रट्टा मारना नहीं कहूंगा, याद हो जाए, क्योंकि मैं कन्वर्जन ईयर पे मैंने कहा था मैक्स यूज करना है, उसने सेंसिटाइज के लगा के फिर सर ने कहा था बर्न हो गया, वो इज रिस्पॉन्सिबल आप, क्लियर, स्टार्ट करो प्लीज। ओके, बहुत क्लीन ईयर है, हेडर से नहीं चाहता हूं, हम जितना कंफर्ट होके काम करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छे से काम होगा, क्लियर, ये नेक यो नीचे करके काम करना हमारे पेन होना है तो चेयर ऊपर कर दो ना, एग्जैक्टली वैसे ही आप नोट ना बांध कर आप ये देखें बालों को खींच के देख लें, स्प्रिंग बन रहा है, हो गया पॉन्स पे, हाँ आप बताओ, एक मिनट, 1 मिनट प्लीज प्लीज प्लीज,
हूँ, प्लीज किसी ब्रांड का नाम ले ली, मैं सब ब्रांड की रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको नीचे ना नंबर मिल जाएगा, आप हमारे यहाँ पूरी टीम के हैं, आप कभी भी कॉल कीजिए। आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया उसके पीछे जो रीजंस हैं वो भी आप लाइव देखना, हो सकता है कहीं उसमें करेक्शन की जरूरत हो, क्योंकि मैं उस सिनेरियो में मैं नहीं था, तो आप उस सिनेरियो में कहाँ करेक्शन कर सकते हैं अभी देख लेना, नहीं तो फिर हम डिस्कस कर देंगे। क्लियर? अभी तक में और कोई क्वेश्चन? नीचे से मिल जाएंगे आपको, मैं आपसे फिर इसमें भी आऊंगा। यस सर, मैंने ना स्मूथनिंग की थी अभी 1 महीने पहले, बट क्लाइंट ने ना उसी दिन मेहंदी लगाई थी, उसी टाइम वॉश करके ही आए थे है ना, और मैंने बार बार पूछा, पता नहीं उनका माइंड कहाँ था, उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई मुझे, और मैंने वो चीज़ कर दी। उस टाइम तो ठीक हो गया था, वॉश भी किया, अच्छा सा रिजल्ट था, बट 3 दिन बाद ना वो अपने आप ही सेक्शन लेना है। यस, केराटिन अप्लाई हो रहा है। यस, अभी लाइन देख लीजिए कितना स्ट्रेट रह रहा है, 24 घंटे बाद वॉश होगा, इन सब का आप नंबर ले लेना और इनसे आप कॉन्टेक्ट कर लेना कैसा रहा, ये आपको खुद बताएंगे। आपका आंसर देना था, इनका क्वेश्चन था कि वैसे तो ये रिबॉन्डिंग की क्लास नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं केराटिन और रिबॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस बताना होता है तो बता रहा हूँ। क्लाइंट ने एक दिन पहले हीना लगाया था और आपने रिबॉन्डिंग कर दी, क्रीम जज नहीं किया था सर, अच्छे से मैं बार बार पूछ रही हूँ, क्लाइंट भूल जाता है। आपको याद है पिछले हफ्ते आपने क्या खाया था? आपको मेरा नाम मालूम है? चलो मेरा नाम बताओ। केडी। आपको मेरा नाम नहीं मालूम बताओ, क्योंकि देर से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। अब सोचो, क्लाइंट भूल जाता है, भी पॉजिटिव रहो। हम लोग, अगर आपको ध्यान दो, हम लोग एक सेक्शन लेते हैं सीजर से भी, शायद ध्यान होगा सबको, चेक करके आए उस समय कर लेते। सर किया था वो, उन्होंने कहा था मैंने पहले मेहंदी लगाई है, बहुत पहले लगाई है, पर बाद में बताया मैं आज ही लगा के आई हूँ। देखो उस समय मैं इस सिचुएशन में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्लाइंट कह रही है कि ना क्लाइंट की बातों में क्यों जा रहे हो आप। सर क्या कर सकते हैं? दोबारा आप रिबॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं, बाल ओवर प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि नीचे के बाल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, नीचे का बाल स्ट्रेट है, अब आप क्या करें, आप केराटिन कर सकते हैं। केराटिन रूट पे अप्लाई नहीं होता है सर, वो पेमेंट नहीं देंगे। पेमेंट ही मेरे से लेंगे। नीचे से लेकर ऊपर जाना हमें इस तरीके से देखने से, बट ठीक करना है वन से एप्लीकेशन एकदम मेन स्कैल्प पे लगना नीचे प्रोडक्ट्स। हेलो, सेक्शन एंड नीडल पिन ऑपोजिट, सेम टेक्निक फॉलो किया, हेयर स्लॉक प्रेस प्रोडक्ट डीप डीप नीचे से लेकर ऊपर जाना हमें। स्क्रीन को जूम करा दें। यस। 16 वाले क्या था? आप इधर उठ के काम करो। थोड़ा सा। कोई बोर हो रहा है? नो सर। सब समझ में आ रहा है? यस। सब समझ में आ रहा है? बिल्कुल लिटिल बिट है। देखो जहां एप्लीकेशन यहां तक स्टार्ट नहीं हुई है वो ये आपको आप चेक कर रहे थे कितना बताइए कितना डाल रहे नीला कितना है वाला 20% उस तरह का देखें 16
कभी नहीं लगाया देखा लिसन हाँ अब बताएं इन्हें लगाया ना अभी पहले क्या बोले थे नहीं कभी नहीं लगाया कभी पहले कब सिक्स मंथ्स क्या लगानी चाहिए विद आमोनिया तरह से ले रही थी हमें ये सब नहीं अगर हम ही ऐसे करेंगे तो बाकी सब फुल एक पाउंड सारे कप तो नया पैक ओके नेक्स्ट वन हम हिना हिना जिसने क्लाइंट ने कई सालों से लगातार जिसमें हमें कोटिंग विजिबल होती है 20 मिनट उस प्रोसेस में करना है क्लियर एक एक करके कलर निकालने वाला वो आपको वैसे क्योंकि एक कम बोल रहा हूँ आप एक ही कम डाल यस एनी क्वेश्चन इसमें हीना हीना को दे रहे क्लाइंट ने अभी बताया है कि मैंने 6 महीने पहले जो है हीना यूज किया मैक्सिमम क्योंकि मैक्सिमम हीना को कट करने के लिए हीना को एग्जिट करने के लिए इसमें भी सेम 35 मिनट अगर किसी क्लाइंट का हीना जो कि हमें विजिबल हो रहा है जो कई सालों से लगा रहे हैं अच्छा सब जन आप जज कर सकते हैं ना कि हीना लगाया है रिटेल प्रोडक्ट लगाया है प्रोफेशनल प्रोडक्ट लगाया है जज कर लेते हैं ना जिस क्लाइंट का हीना हमें दिखाई दे रहा है बाल ठीक हो चुका है उस समय में हमने वो प्रोसेस करना है कंसल्टेशन शैम्पू डैम हेयर पे हमने हीना लगाना है सॉरी मैक्सिम हेयर वन लगाना है क्लियर देन रिंस आउट किया और फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट किया क्लियर नहीं यूज करना है सिचुएशंस सिचुएशंस नहीं कर सकते आप भी प्रोडक्ट चेंज करना